आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वो राज्य के वरिष्ठ दिग्गज नेता हैं। 4 साल तक संयुक्त आंध्र प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक राज्य में मंत्री रहे हैं। जिस वक्त 2012 में आंध्र के 2 टुकड़े करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार के वक्त यूपीए सरकार में प्रस्ताव लाया गया था, उस समय किरण रेड्डी ने उसका विरोध किया था। किरण रेड्डी ने आंदोलन भी चलाया था ताकि तेलुगु भाषा बोलने वालों के बीच राज्य का अलग विभाजन न हो पाए। उन्होंने एक लोकल पार्टी भी बनाई थी, हालांकि वो पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। इसके बाद वो वापस कांग्रेस में आ गए थे, लेकिन 2014 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी। इसके मद्देनजर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में खत्म हो चुकी है। वाई राजशेखर रेड्डी के शासन के वक्त 2004-2009 में उनके देहांत से पहले राजशेखर रेड्डी और किरण रेड्डी का राज्य में भारी दबदबा होता था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 42 में से 33 सीटों पर जीत मिली थी, आंध्र प्रदेश में एंटी रामाराव चंद्रबाबू नायडू की सरकार छीनकर राजशेखर रेड्डी ने कांग्रेस की 2 बार सरकार बनाई। उन्होंने उस वक्त ऐसी पदयात्रा की थी जैसे कि आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन से पहले किरण रेड्डी ने इसके विरोध में पदयात्रा निकाली थी। एन किरण रेड्डी मन से काफी ज्यादा पीड़ित है क्योंकि कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल पर अब खत्म हो चुकी है। इसके अलावा राहुल गांधी का अटपटा सा बयान देने का भी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तमिलनाडु के अलावा दक्षिण भारत में कांग्रेस की पकड़ अब नहीं रह गई है। किरण रेड्डी का बीजेपी में शामिल होना सिर्फ अटकली मात्र नहीं है। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या में रेड्डी समुदाय करीब 15-16% है। रेड्डी लोग पैसे से सुखी संपन्न होते हैं। रेड्डी लोगों में देशभक्ति की भावना रहती है, जैसे संजीव रेड्डी, ब्रह्मानंद रेड्डी। इसलिए आंध्र प्रदेश में बहुत लोग रेड्डी समुदाय को मानते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में इनका शामिल होना स्वाभाविक है क्योंकि आंध्र प्रदेश का टुकड़ा नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस की हकीकत यह है कि जमीन पर इसका आज कैडर नहीं है। आंध्र प्रदेश में पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 175 सीटों में से एक पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। लोकसभा चुनाव में तो राज्य के अंदर बिल्कुल ही सफाया हो गया था, इसलिए किरण रेड्डी के पास बीजेपी के अलावा अब विकल्प है भी नहीं। किरण रेड्डी का जिस तरीके का 60 साल का काम है, वो एनटीआर के तेलुगु देशम पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। वो जगमोहन रेड्डी के साथ भी नहीं जा पाएंगे। उनका एक ही दरवाजा खुला है, बीजेपी का। इसलिए किरण रेड्डी का देशभक्ति का गान गुनगाते हुए बीजेपी में आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन लोकल बीजेपी के लोग ही एन किरण रेड्डी का विरोध कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्यों लेना है। वो कहते हैं कि अब किरण रेड्डी का प्रभाव खत्म हो चुका है, उनकी ताकत अब नहीं बची है। लेकिन किरण रेड्डी ने ये शर्त लगाई है कि बीजेपी में आने के बाद मुझे या तो राज्यपाल बनाए या फिर आंध्र प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि एन किरण रेड्डी की इस मांग पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सहमत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी करीब 1 साल तक पंजाब में इंतजार करवाया था। अभी तक अमरिंदर सिंह को राज्यपाल नहीं बनाया, सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया हुआ है। नरेंद्र मोदी को पता है कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनकी क्या ताकत है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि किरण रेड्डी के बीजेपी में आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और जो भी पार्टी जीतेगी बीजेपी का समर्थन करेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।